हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लेकर आई हूँ इंडियन लो कार्ब हाई प्रोटीन मील प्लान। तो फुल डे का ये वेज डाइट प्लान है टू लूज वेट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत आपको करनी है सिनेमन यानी दालचीनी और उसमें पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक आपको डालकर उसे कंज्यूम करना है। ब्रेकफास्ट में आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक लो कार्ब स्मूदी। ये आयुर्वेदिक स्मूदी है क्योंकि एक आयुर्वेदिक सेंटर में मैं गई थी जहाँ से मैंने ये स्मूदी ली एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वेज स्मूदी। इनफैक्ट ये वीगन स्मूदी है जो लो कार्ब है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डिलिशियस। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं पीनट्स को सोक करूँगी। तो मैंने वार्म वाटर में ओवरनाइट सोक किया है। सो अब हम इस पानी को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये पानी हमें नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ सोक की हुई पीनट्स चाहिए। साथ ही 2 से 3 जो क्रश इलायची हैं उसका छिलका हमें नहीं ऐड करना है, सिर्फ जो अंदर का पाउडर है वो हमें ऐड करना है। तो छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब ब्लेंडर के अंदर सबसे पहले मैं पानी ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैंने सोक की हुई पीनट्स और जैगरी पाउडर भी ऐड कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द क्रश कार्डमम। कोकोनट मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। अगर आपका मिल्क थोड़ा पतला है तो आप आधा कप या 1 कप भी मिल्क इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एप्पल मैं ले रही हूँ, मैं इसके पील को रिमूव कर रही हूँ। मैंने चॉप करके एप्पल्स को ऐड कर दिया है, रफली चॉप किया है मैंने ब्लेंडर के अंदर। और अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी इस मिक्सचर को ऑन अ हाई स्पीड अंटिल ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। आप चाहें तो गर्मियों में इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल सकते हैं थोड़ी सी, उससे थिकनेस जो है स्मूदी की और इंक्रीज हो जाएगी। सो हमारी हेल्दी स्मूदी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे डायरेक्टली इस जार से कंज्यूम कर सकते हैं या फिर यू कैन ट्रांसफर इट इन टू अ ग्लास और जार। इसके आधे घंटे बाद अगर आपको टी या कॉफ़ी कुछ लेनी है तो बुलेट प्रूफ टी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। आप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी भी सेम मेथड फॉलो करके बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच ब्लैक टी ली है और इस तरह की ये जो सीव है, ये जो स्ट्रेनर है, ये छलनी जो है ये आपको इजीली मिल जाएगी। उसमें टी मसाला मैंने ऐड किया है। ये टी मसाला मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इसकी रेसिपी बहुत हेल्दी है, अच्छे हेल्दी हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं इसके अंदर। तो जब ये बॉईल हो जाएगा हम इसे रिमूव कर देंगे। और अब ये है हमारा की इंग्रेडिएंट जो है 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने ऐड किया है। आप चाहें तो देसी घी या MCT ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही कोकोनट की क्रीम मैंने ऐड की है, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। इसे हमें ब्लेंड करना है। अगर आपके पास ऊपर से ओपन वाला जो ब्लेंडर होता है जिसमें स्टीम पास आउट होती रहती है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नॉर्मल ब्लेंडर में इसे ब्लेंड करके आप इसे यूज कर सकते हैं। आपकी क्रेविंग्स को सरपास करेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में हेल्प करेंगे, आपकी बाउल मूवमेंट जो है उसे रेगुलर रखेंगे डाइजेशन में। इसके बाद फॉर मिड डे स्नैक यू कैन हैव सम वेजीज विद होममेड हमस। लंच में है लो कार्ब बुद्धा बाउल जो बहुत ही एपेटाइजिंग है देखने में और बहुत ही डिलिशियस भी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पनीर या टोफू को कट करके उसे एक बोल के अंदर ऐड कर लेंगे। अब जो भी हम सीजनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जीरा पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, अमचूर है, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर है, चाट मसाला है, ये सारी सीजनिंग हम इस बोल के अंदर या फिर इस टिफिन के अंदर ऐड कर देंगे। और लिड लगा के इसे अच्छी तरह से शेक करेंगे तो हमारा जो फैट या टोफू है उसमें जो मॉइस्चर होता है उससे ये सारे जो मसाले हैं उसके ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाएंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं 5 मिनट के लिए। और अब हम एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रहे हैं, आप मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें मस्टर्ड सीड्स डालेंगे और पीनट्स को हम हल्का सा इस ऑयल के अंदर रोस्ट करेंगे।
रोस्टिंग के बाद जब वो हल्का हल्का ब्राउन होने लगे, हम इसके अंदर मटर करी लीव्स भी ऐड कर देंगे। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम अदर वेजिटेबल्स। तो हम यहाँ पर चॉप किए हुए कैरेट कैप्सिकम ले रहे हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को हम हल्का सा कुक करने के लिए ढककर छोड़ देंगे फॉर नॉट मोर देन 1 मिनट। थोड़ा सा हम इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो मैंने हल्दी, डेसिकेटेड कोकोनट और कुछ स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। स्पाइसेस को अगर हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो वो जलने का डर होता है, इसीलिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और अब लास्ट में हम डालेंगे हमारा ग्रेट किया हुआ कॉलीफ्लावर और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे, लोएस्ट पॉसिबल हीट पे हम कुक करेंगे। मैंने इसे कुक करने के लिए दूसरी गैस पर रख दिया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और स्पाइस्ड किए हुए और कोट किए हुए टोफू या पनीर को ऐड कर देंगे। धीमी आंच पे हम इन्हें क्रिस्प करेंगे हर साइड से। थोड़े बहुत जो स्पाइसेस हैं वो ऑयल के अंदर आ जाएंगे, पर दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ध्यान रखें तेज आंच पे नहीं करना है, क्योंकि अगर तेज आंच पे आप इसे कुक करने की कोशिश करेंगे मसाले जो हैं वो बर्न हो जाएंगे। अब सेम बोल में जिसमें हमने अपने टोफू को कोट किया था उसके अंदर हम चिकपीस को भी कोट कर रहे हैं। तो चिकपीस के अंदर भी जो मॉइस्चर होगा उससे जो बचा खुचा मसाला है वो उसके ऊपर आ जाएगा। अब हम इसे भी हल्का सा रोस्ट करेंगे एंड आप देखेंगे कि जब इसके ऊपर हल्के हल्का ब्राउन मार्क आने लगेगा तब तक हमें अपने छोलों को भी रोस्ट करना है। इन द एंड वी विल रिपीट द सेम स्टेप विद आर कैरेट्स एंड टमेटोज। उन्हें भी हम उसी मसाले के अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हम उसके ऊपर रॉक सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं ताकि सीजनिंग और अच्छी तरह हो जाए। और ये सब जब तक हम करेंगे तब तक हमारे कॉलीफ्लावर राइस हैं वो पक कर अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। हमने सारी चीज़ों को रोस्ट भी कर लिया है और क्योंकि हम बुद्धा बोल बना रहे हैं तो अब बारी है इसे असेंबल करने की। तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर दिया है कॉलीफ्लावर राइस। उसके बाद पनीर रोस्ट किया हुआ और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलिशियस लगता है ये। साथ ही हमारे चिकपीज हैं जो हमने हल्के से रोस्ट किए थे और हमारी वेजिटेबल्स हैं। हमने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। नाउ यू कैन गार्निश इट। मेरे पास टमाटर और प्याज की चटनी थी जिसे सालसा भी कहते हैं, मैंने थोड़ा सा उससे इसे गार्निश कर दिया है। इवनिंग स्नैक में यू कैन टेक हैंडफुल ऑफ रोस्टेड सीड्स विद मिल्क, अगर आपको मिल्क पीना अच्छा लगता है तो। डिनर में है लो कार्ब डिनर प्लेटर जिसमें सूप है, कुछ वेजीज है एंड प्रोटीन का सोर्स। सो ये मैंने प्रिपरेशन के लिए किया था। आई एम जस्ट शोइंग यू कि मैंने क्या किया था इन्हें ब्लांच करने के लिए। तो एक मीडियम साइज का बीटरूट है, एक मीडियम साइज का टमाटर है और एक कैरेट है। इसे रफली चॉप करके पैन में सबसे पहले हमें ऐड करना है। पैन में ऐड करने के बाद हमें इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा वाटर। टमाटर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि हमें इस टमाटर की स्किन को पील करना है। वो आसानी से हो जाएगा अगर ये रिमूव हो पहले से। इसे ढक कर हमें बिल्कुल धीमी आंच पे कुक करना है फॉर 3 to 4 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है एंड हमारी जो वेजिटेबल्स हैं इस तरह से स्टीम हो जाएंगी। अब हमें इनकी प्यूरी बनानी है, क्योंकि जो हमारा पहली डिश है इस पूरी मील की वो है एक हेल्दी सूप। तो उस हेल्दी सूप के लिए हम इसकी प्यूरी बनाएंगे और फिर इसे हल्का सा वार्म करेंगे दोबारा से। बहुत ही आसान होता है ये सूप बनाना और आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए बहुत सारे सूप बना सकते हैं। मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि विंटर में सूप्स को डिनर में इंक्लूड करें, बिकॉज वे आपके ओवरऑल वाटर कॉन्टेंट को भी इंक्रीज करता है। अब मैं बाकी वेजिटेबल्स को चॉप कर रही हूँ। तो कैप्सिकम है मेरे पास ग्रीन वाली, येलो वाली, और टमाटर और कैरेट।
वेजिटेबल्स जो होती हैं वो फाइबर में रिच होती हैं और डिनर में अगर आप इन्हें इंक्लूड करेंगे तो आप ज़्यादा फिल भी महसूस करेंगे। मैंने पूरी जो येलो कैप्सिकम है वो यूज़ नहीं करी है, मैंने सिर्फ आधी कैप्सिकम यूज़ करी है। यहाँ पर बाकी इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, मसाले हैं कुछ, 2 टीस्पून हम ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। ये 90 ग्राम के आसपास लो फैट पनीर है, आप इसे 60 तक कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप लो कैलोरी डाइट पर हैं, अदरवाइज 90-100 ग्राम इज़ ऑल्सो फाइन। तो मैंने यहाँ पर हल्दी, काली मिर्च, मिक्स्ड हर्ब्स, अमचूर पाउडर और जीरे का पाउडर और चिली फ्लेक्स को ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हमें इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट हमारा एक मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ जिसमें हम अपनी वेजिटेबल्स को कोट करेंगे। यहाँ पर मैं तिल का पेस्ट ले रही हूँ, सफ़ेद तिल जो होता है उसके पेस्ट को ताहिनी कहते हैं। इट्स हाईली न्यूट्रिशियस, किसी भी क्रीम को या दही को यूज़ करने की बजाय अगर आप इसे यूज़ करेंगे मैरिनेशन में तो एक बहुत अच्छा नटी फ्लेवर भी आएगा और ये हेल्दी भी रहेगा। 2 टीस्पून मैं एक और बोल में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी को यूज़ करके हमारी एक हेल्दी डिप भी बनाएंगे। तो ये मैरिनेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसे मैं वेजिटेबल्स में ऐड करूंगी सबसे पहले। तो 1.5 चम्मच के आसपास ही वेजिटेबल्स में मैंने ऐड कर दिया है। इसे कोट करने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल करें। ये देखिए मेरी वेजिटेबल्स पूरी तरह से कोट हो गई हैं। अब हम अपने पनीर को भी कोट करेंगे। पनीर को सबसे पहले मैंने टॉप में लगा दिया है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इसे स्लाइस करें और फिर लगाना शुरू करें। तो मैं इसे अभी स्लाइस कर रही हूँ। मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो, अगर थिक होता है तो मैरिनेशन अच्छी तरह डीप जाता नहीं है और साथ ही ग्रिल जब होता है तो वो बीच में से इतना टेस्ट और फ्लेवरफुल नहीं रहता है। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं थिनली स्लाइस करूँ इसे। तो पनीर को भी मैंने एक एक करके कोट कर दिया है। यूज़ योर हैंड्स, उससे अच्छी तरह से कोट होता है ये। हमें बहुत ज़्यादा देर इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने नॉर्मल मसालों का और थोड़े से ऑयल का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं एक कास्ट आयरन पैन में 1 टीस्पून और ऑयल ऐड कर रही हूँ और उसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स को ऐड करके मैं हल्का सा इन्हें सौते करने के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि हमें ये रेसिपी 15 मिनट के अंदर बनानी है क्योंकि ये हमारा एपिसोड है फिट मील इन 15। तो मेरे पास जितने भी यहाँ पर स्टोव्स अवेलेबल हैं मैं सबका इस्तेमाल करूँगी। तो एक स्टोव पर मैंने वेजिटेबल्स को सौते होने के लिए रख दिया है और दूसरे पे मैं तवे के ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाकर उस पर अपने पनीर को इस तरह से रख दूँगी ताकि वो अच्छी तरह ग्रिल हो जाए। गेटिंग बैक टू माई सूप, तो सूप को मुझे प्योरी करना था, अभी मैंने इसे प्योरी कर लिया है। एंड इसका जो वाटर है आपको जितना ऐड करना है, अगर आपको थिक सूप पसंद है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, थिन सूप पसंद है तो आप कम पानी ऐड कर सकते हैं। सो आई विल बी एडिंग सम मोर वाटर। इसे क्लीन करके अपने जार को मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी एंड नाउ इसे भी मैं स्टोव पे रख दूंगी। तो 3 स्टोव पे मेरी कुकिंग यहाँ पर चालू है और यहाँ पर मैं अपनी डिप भी बना रही हूँ। 2 टीस्पून हमने लिया था सेसमे सीड्स यानी ताहिनी यानी सेसमे सीड्स का पेस्ट, उसमें 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है मस्टर्ड सॉस। ये डीजॉन मस्टर्ड है, जहाँ पर हम मेयोनीज वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें 1 चम्मच के अंदर 50-60 कैलोरी होती हैं, इसमें सिर्फ 15 कैलोरीज होती हैं। और यहाँ पर पानी मैं ऐड कर रही हूँ, मैंने सिर्फ काली मिर्च ऐड की है और चिली फ्लेक्स एंड आई एम एडिंग दिस वाटर टू गिव इट अ नाइस कंसिस्टेंसी। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी क्योंकि जो हमारा मस्टर्ड सॉस होता है उसके अंदर काफ़ी एसिडिटी होती है, काफ़ी एसिडिक इफ़ेक्ट होता है और सॉल्ट भी होता है, तो हमें सॉल्ट एक्सेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर आप इसे टेस्ट करें आपको लगे यू कैन ऐड अ पिंच और टू, बट फॉर माई टेस्ट इट इज़ परफेक्ट। हमारी वेजिटेबल्स हो चुकी हैं, हमारे पनीर यहाँ पर रोस्ट हो रहे हैं, जब तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे दोनों साइड से, हमारा सूप भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सूप को हमें सीजन करना है एंड में, तो यहाँ पर मैंने अगेन काली मिर्च और थोड़े से चिली फ्लेक्स और साथ ही पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। आर सूप इज़ रेडी और इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है मेरे टेस्ट के हिसाब से, बट एज आई सेड इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड स्लाइटली मोर वाटर तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारी पहली मील जो है सूप हमारा स्टार्टर है वो ऑलमोस्ट रेडी है, पनीर जो है हमारे ऑलमोस्ट ग्रिल हो चुके हैं, वेजिटेबल्स का स्टोव मैंने बंद कर दिया है, कास्ट आयरन जो होता है वो हीट को रिटेन करता है तो उसके अंदर ये पकेगा। तीनों चीज़ों को कुक करने के लिए मैंने हेल्दी कुकवेयर का इस्तेमाल किया है। ये है स्टील का पैन जिसके अंदर मैंने अपना सूप बनाया है।
मेक श्योर कि अगर आप स्टील के पैन का इस्तेमाल करें उसका जो बॉटम हो वो थोड़ा सा हैवी हो। सूप को मैंने सर्व कर दिया है। इट लुक्स रियली एपेटाइजिंग। नेक्स्ट आई एम सर्विंग द डिप। डिप की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे वेजिटेबल्स के ऊपर डाल सकते हैं, आप पनीर को इसमें डिप करके खा सकते हैं। कहीं से भी ये रेसिपी, कहीं से भी ये पूरी मील बोरिंग नहीं है। इट्स हाई इन प्रोटीन, इट्स वेरी लो इन कार्ब, बट इट इज वेरी हाई इन फाइबर्स एंड विटामिंस एंड मिनरल्स। फॉर बेड टाइम ड्रिंक आई हैव अ टर्मरिक टी व्हिच इज एक्सट्रीमली हेल्दी, जो वेट लॉस में आपको हेल्प करेगी। तो जो पानी था वो मैंने पैन में ऐड कर दिया है, साथ ही थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी यहाँ पर जिंजर को और ब्लैक पेपर को, ताकि इसके थोड़े से जो जूसेस हैं वो बाहर आ जाएं। और अब मैं इसे ऐड कर दूँगी हमारे पैन के अंदर। पैन को मैंने गैस पर रख दिया है, गैस को हम ऑन करेंगे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जैगरी ऐड कर दिया है, जो हमें शुरू में ऐड करना है, ताकि वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और उसका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। ये है वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड है। तो इसकी मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1/2 to 3/4 teaspoon ऐड किया है अपनी टी के अंदर। और इसके बाद तुरंत बाद हम हल्दी भी ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा उबलने देंगे 30 seconds के लिए। ज़्यादा देर हमें बॉईल नहीं होने देना है। एक्सेस बॉईल करेंगे तो हल्दी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। एंड एज आई सेड, थोड़ा सा ही कुक करना है हमें, ज़्यादा कुक नहीं करना है। ऑलमोस्ट ये हो गया है, गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसे कवर करके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इस बीच बाकी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। नाउ ये जो स्टेप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए चाय के। तो मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। जब हम पानी के साथ कोई फैट सोर्स ऐड करते हैं तो वो अलग अलग सेपरेशन हो जाता है उसके अंदर। तो ये आइडिया मुझे आया था जब मैंने आपके साथ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या टी शेयर की थी। दोनों ही चीज़ों के अंदर जब हम इस तरह से ब्लेंड करते हैं तो जो हमने फैट का सोर्स ऐड किया है वो बहुत अच्छी तरह वाटर में मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा बेस क्रिएट करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टूडेज वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर। बाय बाय।